भाग है कि इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी बाढ़ में 3 दिन फंस जाता हो और उनके घर के बगल से वृद्ध महिला उनको आह्वान करता है, उसके बावजूद उनको छोड़ करके डीएम के सहारे बाहर निकलते हैं। पार्टी हम लोगों का ड्यूटी बनता है कि हम लोग सरकार को जागरूक करें इस बात से कह करके कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो आपका फेलियर हो रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज एक दिवसीय धरना आयोजन किया गया है। गर्दनी बाग धरना स्थल में हम मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस के मौजूद हैं। आज 8वां दिन है नवरात्र का और फिर भी आज जनता की मांग को लेकर जनता के बीच बैठे हुए हैं। गर्दनी स्थल में बहुत सारे गणमान्य नेता यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद है। बात करने का प्रयास करेंगे, सीनियर नेता हमारे साथ सुबोध जी, इनसे बात करेंगे। राजकुमार राजन जी, इनसे बात करते हैं। देखिए, आज पूरा पटना में 80% पॉपुलेशन है जो पानी से प्रभावित है। ये कोई अकस्मातिक घटना नहीं है, बिल्कुल सरकार के एक तरह कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सरकार फेलियर है। और निश्चित तौर पे अगर सरकार चाहती पहले से इसका व्यवस्था होता तो पटना के लोग इस पानी से इतना ज़्यादा त्राही माप नहीं किए होते। दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी बाढ़ में 3 दिन फंस जाता हो और उनके घर के बगल से वृद्ध महिला उनको आह्वान करता है, उसके बावजूद उनको छोड़ करके डीएम के सहारे बाहर निकलते हैं और फिर वापस अपने राजेंद्र नगर घर की ओर मुखातिब नहीं होते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम कांग्रेस पार्टी 1990 के बाद यहाँ शासन में नहीं है, लेकिन 90 तक कांग्रेस पार्टी ने 1975 में जब बाढ़ आया था तो 39 सम्प हाउस हम लोग ने बनाने का काम किया था। आज ऐसा है कि एक सम्प हाउस चल रहा हो। नगर विकास मंत्रालय का सेक्रेटरी कहता है कि हमारे पास नाला का मैप नहीं है। नगर विकास मंत्री कहते हैं कि हम कमिश्नर हमारा बात नहीं सुनता हो, तो ऐसे में दोष किसको दिया जाए। यहाँ काउंसलर से लेकर के एमपी तक और मंत्री तक सारे भाजपा से भरे हुए हैं। भाजपा के लोग सिर्फ गलत बात करके फैलाते हैं, गलत बात को मैसेज दे करके वोट लेते हैं, लेकिन जनता का कल्याण करने का कोई योजना पर विशेष ध्यान देने का काम नहीं किया। इसके वजह से आज पूरा पटना बाढ़ से त्राही माम कर रहा है। हम कांग्रेस के लोग को ये इस समय आज अष्टमी के दिन है उसके बावजूद हम लोग धरना पे बैठे हैं सरकार को चेतावनी देने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, श्री मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में राहत सामग्री बांटी गई, यूथ कांग्रेस के द्वारा आज भी बांटा जा रहा है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आज पटना में आकर राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता की भावना को कांग्रेस जितना समझती है दूसरे राजनीतिक दलों ने उतना समझने का कोशिश प्रयास नहीं किया है। धरना तो आप दे रहे हैं सर, मगर जनता के बीच मौजूद हैं क्या आप, जा रहे हैं लोग? निश्चित तौर पे हम लोग के सारा टीम प्रदेश अध्यक्ष कूद गए हैं। 4 दिन उन्होंने भी सदागत आश्रम में पूरी सब्जी बूंदिया बना के बांटने का काम किया, जनता के बीच जाने का काम किया। हम लोग भी गए, यूथ कांग्रेस की टीम आज भी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज भी वो राजेंद्र नगर और कंकड़बाग में जाने का काम कर रहे हैं। आरोप लग रहा है आपके महागठबंधन के साथी हैं तेजस्वी यादव जी कल पटना आए हैं और आज वो संज्ञान ले रहे हैं। अब ये तो तेजस्वी यादव की बात है, वो तेजस्वी यादव से पूछा जाए। हमारा गठबंधन उनकी पार्टी से, उनके नेताओं का ब्याज विचार पर हम लोग टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी को भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाना चाहिए, जनता के सहानुभूति लेना चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्ति को इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, उनको जनता के बीच सबको रहना चाहिए। बड़ा उपचुनाव है, एक तरह से टेस्ट है आपके महागठबंधन का, आप जाइएगा सपोर्ट करने के लिए बाकी दलों? क्या करना चाह रहे हैं आपके उपचुनाव में जो अलग अलग दल लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ जाइएगा आप सपोर्ट करने के लिए? स्टार नहीं, जहाँ हमारा गठबंधन है वहाँ हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेता वहाँ जाएंगे, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब जाएंगे। सीटों का जो बंटवारा उसे संतुष्ट हैं आप? अब सीटों के बंटवारा में हमारे पार्टी के हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया उसके साथ हम सब बिहार कांग्रेस के जन है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सुबोध जी। सर ये बताइए कि जो सीटों का समीकरण आपका बना है उपचुनाव में, हम लोग, अभी राजन जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि जो हाई कमांड हम लोगों के यहाँ डिसाइड करता है हम लोग उसके साथ हैं। हमारी इच्छा हो सकती है कि हमको ज़्यादा सीट मिले, लेकिन अल्टीमेटली जो हाई कमांड डिसाइड करता है हम लोग उसके साथ हैं और उसके साथ तन मन से काम करेंगे। जो अन्य दल चुनाव जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वहाँ प्रचार करने जाइएगा ना? नहीं, हमको अभी ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी? नहीं, हम नहीं जाएंगे।
जहाँ मेरा अलायंस है हम वहाँ जाएंगे, जहाँ अगर वो अपने मन से लड़ रहे हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे। जनता के सपोर्ट की बात नहीं है, ये एक मानविक चीज़ है। इसमें हम लोगों का एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोगों का ड्यूटी बनता है कि हम लोग सरकार को जागरूक करें इस बात से कह करके कि आपने जो आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो आपका फेल्योर हो रहा है। और हकीकत ये है कि हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने जब से ये बारिश शुरू हुआ है जितनी हम लोगों की शक्ति है उस हिसाब से हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उसको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को जागृत करना चाहते हैं कि आप लोग मैदान में आइए और जनता के हित की बात कीजिए और जनता के हितों को की रक्षा कीजिए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जनता के हितों की बात करने के लिए आज अष्टमी है और आज भी कांग्रेस के सारे जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर सीधा हमला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से शीर्ष नेताओं की तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि और भी नेता पहुँचेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थिल है, कहीं ना कहीं यहीं से वो विद्रोह की आवाज़ उठेगी जो कि इस सरकार को हिलाने का प्रयास किया जाएगा। कुव्यवस्था साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिस तरह नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों से बिहार में शासन किया है और उसके बावजूद आज जो परिस्थिति है वो आपके सामने है कि बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। और आज एक बड़ी आवाज़ उठाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस बिहार में, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है बिहार के इस परिप्रेक्ष्य में, और देखना होगा कि इस विरोध का असर कितना पड़ता है कांग्रेस के आने वाले भविष्य पर। बने न्यूज़ बिहार पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी।